होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी 10:30 हो रहा है, ये देखो यहाँ पर, और मैं किचन पूरा क्लीन करके आ गई हूँ। ये रूम भी क्लीन हो गया है। मैंने बोला चलो ब्लॉग की स्टार्टिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर भी पूरा क्लीन हो गया है और बर्तन वगैरह सारा धुल गया, झाड़ू पोछा भी हो गया है, यहाँ पर भी हो गया, सिर्फ लास्ट हॉल बचा है। तो मैंने बोला चलो हॉल को भी कर लेते हैं और फिर उसके बाद वहाँ मैं जाऊँगी, यानी कि बाहर का काम करूँगी और फिर नहा लूँगी। अभी एक चीज़ पार्सल आया था जो कि उस दिन ना बच गया था, तो मैंने आया ही नहीं था उस दिन, है ना, और आज आया है, तो मैंने बोला मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट ये श्रेया का है, श्रेया के लिए ही मंगवाया था मैंने, ये लास्ट बचा हुआ था। तो बहुत सारा सामान मैंने पेंटिंग के लिए मंगा दिया, इसमें भी कुछ है तो वो ओपनिंग करेगी, तो अभी उसे नहीं पता है कि एक और कुछ आने वाला है। बैग भी मंगवा दिया था, सारे कलर वगैरह, ब्रश वगैरह सारा कुछ आ गया था, ये और लास्ट बाकी था। तो ये अभी आया है, तो वो अभी गई है कंप्यूटर क्लास, व्हाट्सअप किया था वहाँ पर, उसने ना लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर साइड में स्क्रीन में लगा दूँगी, फर्स्ट बाय मेरा नाम, शुक्ला जी का नाम और खुद का नाम लिखा हुआ है, अपने स्कूल का नाम लिखा हुआ है। तो मुझे अभी व्हाट्सअप किया था, तो मैंने उसमें रिप्लाई में हार्ट दिया है। अभी आकर वो, यानी वो खुश हो रही है। गर्मियों की छुट्टी थी तो मैंने बोला इसको व्यस्त करके रखा जाए तो वो ठीक रहेगा। तो उसकी फ्रेंड और वो क्लासेस ज्वाइन की है उसने, तो अच्छा है, कुछ सीखेगी वो, फ्री होने से अच्छा, क्योंकि इस समय का हमेशा अच्छे से उपयोग करना चाहिए, है ना। इसलिए मैं उसको, यानी कोचिंग लगवा दिया मैंने, और अभी वो आएगी, जब तक मैं यानी कि नहा धो लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं कि वो एक गिफ्ट में क्या है। मुझे भी इसको ओपन करके देखते हैं, आप लोगों को भी दिखाएंगे, वीडियो पर बने रहिएगा। ताको मैं लेकर आती हूँ। तो फ्रेंड श्रेया आ गई है और अच्छा तुम्हारे सामने आया था। तो फ्रेंड श्रेया आ गई है और मैं भी नहा धो करके पूजा करके आ गई हूँ, है ना। श्रेया भी आई है तो ये ओपन कर रही है अब ये जो गिफ्ट आया है, तो अपन देखते हैं कैसा है, है ना, क्या आया है। फिर अभी फिर खाना भी बनाना है, पहले मैं थोड़ा सा रेडी होकर रील बनाने जा रही हूँ, उसके बाद मैं बॉक्स के अंदर, बॉक्स भारी सा लग रहा है, भारी सा है ना, क्या आ रहा है, पत्थर पत्थर भर के तो नहीं दे दिए, हाँ शैम्पू का बॉक्स तो नहीं है, देखो इधर से कट कर रही है। अब श्रेया को तो बता ही दिया मैंने, ये तुम्हारा पेंटिंग कलर है शायद। अच्छा ये ऐसे कम बॉक्स में लग मिला है, देखो बॉक्स से ही अच्छा। और ये जल्दी करो, वेट नहीं हो रहा मुझसे, ट्यूब आया है ये इस टाइप से, कैमर कुछ इस तरीके से ट्यूब आया है, देखो क्या तो खुश है। ये बॉक्स खोलो, मैंने खोल दिया, वाओ पूरी गृहस्थी आ गई है पेंटिंग की। अब मुझसे मत बोलना ये चाहिए वो चाहिए, ये करना वो करना, इसको आराम से अपन बचत कर करके पेंटिंग कर लेना पेंटिंग में भी बचत करो, क्यों श्रेया, है ना। ऐसे नहीं यार, तुम अभी से तुम हाथ में चेक कर रही हो पूरे ट्यूब खराब को, देखो खराब भी कर दिया। तरीका होता है कोई चीज का, है ना, तरीका नहीं आता है, अभी डांट पड़ेगी या औजार उठेंगे तो तरीका आ जाएगा, क्यों श्रेया है। चलो तो मैं रेडी हो जाऊँ रील के लिए, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ पे ना मैं तैयार हो रही थी, मुझे ना मेरी फ्रेंड का कॉल आया था, मेरी वो सब्सक्राइबर थी, कब मेरी इतनी प्यारी बहना बन गई मुझे पता नहीं, तो मैं उनके कहने पर रेडी होकर रील बनाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैं कैसी लग रही हूँ, मैंने अपना न्यू सूट वेयर किया है, रील बनानी है, फरमाइश आई है, तो हमने बोला कॉल आया था काव्यांशी शिष्य का, तो उन्होंने बोला जल्दी से एक रील बनाओ, तो मुझे रिमिक्स बनानी है, मैंने बोला ठीक है अच्छा,
तो मैं तो घर की ड्रेस में थी, जैसे कि अभी मैं आप लोगों को बता ही रही थी, पर मैंने बोला ठीक है तो मैंने ऐसा लुक क्रिएट किया है, आप लोग बताइएगा कि कैसी लग रही है। मैं ठीक लग रही। चलो तो बनाते हैं रील। तो फ्रेंड्स मैं रेडी हो गई हूँ रील बनाने के लिए, मुझे एक रील बनानी है और बन जाएंगी दो तीन। तो चलो कुछ अभी थोड़ा सा और बकाया है जो मैं अभी थोड़ा सा आईब्रो फिल करनी है मुझे, क्योंकि मैं बहुत कम करती हूँ पर मुझे करनी है। एक हुई है। अच्छा आईब्रो फिल करने में इतना खास नहीं लगता जाएगा, कर रही हूँ मैं। अगर अच्छी नहीं लगेगी तो मैं फिर हटा दूँगी, मैं कभी करती नहीं हूँ बट मैं अभी कर रही हूँ। ये देखो मैंने फिल किया है। तो फ्रेंड्स रात में 8:30 बजे या फिर 9 बजे तक मैं रील अपलोड करूँगी यूट्यूब पर, आप लोग देख लीजिएगा कि मैंने कैसा रील बनाया है। और आप लोगों को काव्यांशिस इसको देखना है तो उनके साथ जो मेरे साथ जो उन्होंने रिमिक्स बनाया है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ऐसे देखो कितना अच्छा ऐसे रिश्ता, नए नए मुझे रिश्ते मिले हैं यूट्यूब से, बहुत अच्छी फैमिली है सच में। आप लोगों के जो कॉमेंट्स हैं डेली, अगर किसी जो रोज करते हैं और अगर एक दिन मिस हो जाता है तो मुझे लगता है कि यार क्यों नहीं आए, क्या बात हो गई या मेरी वीडियो पर कोई कमी है। मैं खुद ही जैसा कि मम्मी ने आधा लगा के छोड़ दिया तो हम इसको पूरा लगा देते होंगे आराम से, नहीं तो मम्मी उसको ऐसे 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 खींचती रहती हैं, है ना मम्मी? हाँ बोलो। आज मुझे कहीं जाना था पर मैं गई नहीं, और प्याज कट कर रही हूँ, गर्मी में प्याज खाना चाहिए। रोज नहीं खाना चाहिए? मैं रोज खाती हूँ। तो आज मम्मी कुछ कमी है ना आपके खाने में? मम्मी पापड़ और दही नहीं है मम्मी, चटनी प्याज मिर्ची बस इतनी चीज है मम्मी, पापड़ दही भी चाहिए मम्मी। मम्मी तालू नहीं। श्रेया दाल अच्छा शौक लगाती है, दाल बहुत प्यारी दाल बनाती है श्रेया। तो मैं दाल चावल यानी दाल चावल मैंने बना लिए थे पर श्रेया को बोला था मैंने दाल में शौक खुद लगाओ, और चटनी भी मैंने ही बनाई, और चटनी श्रेया ने बनाई है। अभी खा के पता चलेगा कि कैसा बना है। तो ये मैं थोड़ा सा खाना लूंगी। आज आपने अगर खाना छोड़े तो वीडियो बनेगी तो मेरे को जगह नहीं मिल रही कि थाली में कहाँ रखूँ, दो चार बार आना पड़ेगा नहीं तो मेरे को। राइट मम्मी, मैं ले के मैं एक ही हाथ में जाऊंगी, श्रेया पानी ले ही आएगी, है ना मम्मी? देखो ये चटनी है, ये प्याज है, ये दाल वैसे इधर आप रख सकते थे। नहीं ठीक है, ग्राहकने का शौक है। तो दाल चावल चटनी प्याज वगैरह सब कुछ तैयार हो गया है। अभी 4:30 पौने 5 बज रहा है और ये सांगन की धूप चली गई है, बाकी है सामने दीवार पर। और मैं ना बाहर यानी कि अंदर से बाहर आकर भी बात कर रही हूँ, चाय लेकर आई हूँ, चाय बनाई है, सो रही थी। कूलर ना दिन में ऑन कर लेते हैं, रात में जब तक जागे रहते हैं तब तक कूलर ऑन रहता है, उसके बाद ना मैं कूलर बंद कर देती हूँ क्योंकि फिर नींद लग जाती है और फिर वही, इसलिए मैं बंद कर देती हूँ, है ना? वो भूत वाला सपना आया था जब तब। और चाय पीऊँगी अभी, थोड़ा अच्छा लगेगा वॉइस, है ना? कल आज मुझे कहीं जाना था पर मैं गई नहीं, मन नहीं किया क्योंकि धूप ज़्यादा थी। कहीं कहीं सुना है बारिश हो रही है ना, मौसम चेंज हो रहा है, शाम के टाइम हवा वगैरह चलने लगती है पर दोपहर में तो बहुत ज़्यादा वो रहता है धूप। सुबह टाइम रात में थोड़ा ठंडा लगने लगता है। अभी कूलर इतनी तेज चल रहा है कि मुझे इधर बाहर आना पड़ा आप लोगों से बात करने के लिए, है ना? और श्रेया ने इतनी मस्त चटनी बनाई थी, मैंने खाना बनाया था जैसे कि मैंने दिन में बताया था आप लोगों को, उसके बाद से मैंने शूट नहीं किया। खाना खाने के बाद इतना आलस आने लगा कि मैं ऐसे ही रील वगैरह भी बनाई थी
और वही देख रही थी मैं, अपलोड वगैरह कर रही थी, और फिर उसके बाद मैं सो गई थी। फिर अभी उठी हूँ मैं और मस्त चटनी थी सच्ची। चलो चाय पी लेते हैं, हम तो कटोरे में चाय लेकर आए हैं और चाय पीते हैं। मुझे ना आम मंगवाना है, मैं सोच रही थी। श्रेया देखी, मैं इसी को ढूंढते ढूंढते आई कि ये गई कहाँ है, है ना? आम मंगवाए थे मैंने, तो आम धुलने धोना था, अभी धो के और रख दूंगी। अरे भगवान, राम राम राम। सही है। चलो तो उसकी फ्रेंड आ गई है, वो बहुत दिन बाद आई है इसलिए आप उसका मन लग जाएगा, कम से कम फ्रेंड से बात कर लेगी। और हम चलते हैं अंदर, देखते हैं। आम मंगवाए थे और आम को धुलना था, पता है? पर हाँ, अच्छा, दो दो लाइट ऑन करके रखी है बाहर की। चलो, बस मेरी फ्रेंड ने बोला था कि बाहर की लाइट ऑन करके रख। ये क्या सिस्टम है, ये कब इसने ऊपर रख दी? ये जाला छुटा रही होगी, झाड़ू ऊपर रखी है मैडम, हैं? देखो दीदी से बर्तन धोने को बोला था धो तो दी, सही है, पर कढ़ाई कहाँ टांग के रखी? आज तक मैंने भी टांगी यहाँ पे, देखो। आ? क्या अच्छा, तो बेटा तू दूसरी सामान ले लेती, बोलती सही से कढ़ाई नहीं धुली इसलिए टांग के रखी है। डब्बे में साबुन खत्म हो गई होगी। ये देखो आम कितने सारे हैं, है ना? अभी ये मैंने आम मंगवाए हैं, मैं अचार के लिए मंगवाया। अब आप लोग बोलोगे इतनी जल्दी से होना अचार, तो मैं सारे काम जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, रख लूंगी पानी वानी में चल जाएगा। ये आप कट पिट करेंगे, अभी धोए नहीं है, धोना है तो धोएंगे अभी। चलो धो लेते हैं, ठीक है? तो फ्रेंड्स ये देखो बड़े बड़े आम आ गए हैं। अचार बनाने का वैसे टाइम तो नहीं है, पर मैं बनाऊंगी ज़रूर, और इसी को पानी में रख लूंगी, यानी कि तो ये ना ज़्यादा दिन तक चलेगा। और मेरे को इसको आता है कि कैसे बनाना है, तो जिसमें ये ज़्यादा दिन तक इसकी उम्र रहे तो मैं कर लूंगी, क्योंकि मैं ऐसे पहले भी कर चुकी हूँ। जैसे शुक्ला जी पहले ले आते थे ना आम, तो मैं बना लेती थी ऐसे, और वो पूरा एक साल डेढ़ दो साल चल जाता था, जब तक बरनी में है आम तब तक चलता था, ये नहीं है कि ख़राब हो जाए। तो मैं इनको अच्छे तरीके से धो लेती हूँ, कल फिर काटूँगी तो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मेरे घर में सभी चीज़ें हों। तो यहाँ पर श्रेया से मैंने बोला था कि चलो दाल और पूड़ी और चटनी खाते हैं, तो थोड़ी सी 8-10 पूड़ी से यानी श्रेया ने सहकी थी, मैंने उससे कह दिया था। और मेरा ना मूड ऑफ हो गया था, क्योंकि मेरा चार्जर पिन ही खराब हो गया था। खराब मींस एक करीब पता क्या हुआ, मैं बता देती हूं। यहां पर पूड़ी बना रही है श्रेया, मैंने वो भी 8-10 पूड़ी सेक लो, तो श्रेया ही सेक रही है। मैंने कूलर में पानी भरा, और तो मेरा ना ऐसे मूड ऑफ था कि बिल्कुल मोबाइल में बैटरी नहीं है, तो अब मैं कैसे चार्ज करूंगी, पिन की व्यवस्था करना होगा। और रात के करीब 8:30 बज रहे थे कि मैं जा भी नहीं सकती थी, और मुझे यहाँ पर ना मोबाइल की शॉप भी नहीं पता है कि कहाँ पर शॉप है, कहाँ पर मिलेगा, और मेरे को रात में भटकना होता, इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे काम होगा क्या। तो अब फिर मैंने ना यहीं अड़ोस पड़ोस में थोड़ा सा पूछा था कि क्या चार्जर की पिन मिलेगी, ज़्यादा किसी के घर में नहीं पूछा, सिर्फ एक मेरी फ्रेंड है जिससे मैंने पूछा था कि यार चार्जर पिन मिलेगी, तो उनके यहाँ मिल गई थी। और मैंने बोल दिया था कि मैं आपको 9 बजे तक लौटा दूंगी, बस थोड़ी देर के लिए चल जाए जिसमें मोबाइल मेरा जान आ जाए बस, क्योंकि डिस्चार्ज है पूरा, काफ़ी देर हो गई थी। मैं चार्ज में जैसे लगाने को हुई तो वो तो पिन जो स्टील होता है वो पावर बैंक में ही फंसा रहा, और
जो वायर रहता है वो मेरे हाथ में आ गया, मैंने हो गया काम। अब तो अब देखते हैं, मैं लेकर आऊँगी पिन, सॉरी चार्जर पिन, तो फिर लगाऊँगी। और आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ पर मैं आप लोगों से बातें कर रही थी, आप लोगों को बोल रही थी कि पूड़ी और चटनी अच्छी लग रही है, तो मिलते हैं।